पारदर्श अपूर्ण यानी अधूरी जानकारी पर से हिसाब का आज से हम अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, श्रीमती मालती बहन अपने हिसाब एक हरा लेखा पद्धति से रखती है। तारीख 1/4/2015 और तारीख 31/3/2016 के दिन उनकी संपत्ति और दायित्व नीचे दिया गया। संपत्ति और दायित्व हमको यहाँ पर दिया गया, रोकड़ आहरण दिया है, माल का आहरण दिया है और धंधे में अतिरिक्त पूंजी भी लेके आए हैं। तो यहाँ पर लिखा है लाभहानि बनाने वाला दर्शक हम पत्रक हमको बनाना है। चलिए पहले शुरू करते हैं। और पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, तो स्थिति दर्शक निवेदन पत्रक हमको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर ध्यान रखें हैं कि ये मकान दिया है, मकान पहले हम इस तारीख का बनाएंगे, दो बनाएंगे, ए और बी पत्रक बनाएंगे। मकान, यंत्र, फर्नीचर और विनियोग, स्टॉक, देनदार, ये सब कहाँ जाएंगे, संपत्ति साइट में जाएंगे। तो हम लिखते हैं, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर मकान, मकान 84,000 रुपये का है। फिर यंत्र है, यंत्र हमारे पास 50,000, 84,000 यहाँ लिखेंगे, सॉरी 84,000, और यंत्र हमारा कितना दिया है 50,400। फिर हमने फर्नीचर देखा था, तो फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर तो फर्नीचर हमको दिया है 10,800 दिया है। उसके बाद हम देखते हैं विनियोग दिया है, तो विनियोग भी लिखते हैं, विनियोग कितना है, तो विनियोग हमारा 4,000 रुपये है। उसके बाद स्टॉक दिया है, तो स्टॉक हम लिखते हैं कितना दिया है स्टॉक, तो स्टॉक हमारे पास 25,200 है, 25,200। उसके बाद देनदार दिया है, तो देनदार हमारे पास है 24,000। आगे देखते हैं, तो हमने देनदार तक लिख दिया। अब लेनदार आता है, तो लेनदार हमारे पास कितना है, तो लेनदार हमारे पास है 16,200 बराबर। और फिर रोकड़ और बैंक शेष, ये लेनदार हमारे पास दायित्व साइड आएगा, और रोकड़ और बैंक 14,400 वो संपत्ति में आएगी, देनी हुंडी तो ये दायित्व में, और लेनी हुंडी किस में आएगी, तो लेनी हुंडी हमारी संपत्ति में आएगी। तो इन चारों की हम लोग एंट्री करते हैं, पांचों की, चारों की जो भी है। तो हम पहले लिखते हैं लेनदार, लेनदार हमारे पास कितना था 16,200 है। फिर देनी हुंडी, तो देनी हुंडी कितनी है, कितनी है, तो ये है 18,000 बराबर। अब हमारे पास क्या रह गया था, रोकड़ और बैंक शेष रह गया है, तो रोकड़ और बैंक शेष कितना है 14,400 आता है। और लेनी हुंडी लिखते हैं, तो लेनी हुंडी हमारे पास कितनी है 8,400। इन सब का टोटल हम करेंगे, तो टोटल मैं कर लेता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल हमारे पास आया है 2,21,200 इसका टोटल आया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी, तो ध्यान रखना है यहाँ प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करें, यहाँ का जो टोटल आया है उसको यहाँ लिखेंगे 2,21,200 माइनस, इन सब का टोटल करके रखते हैं तो 34,200 आ जाता है, 34,200 यहाँ लिखते हैं। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 1,87,500 हमारे पास प्रारंभिक पूंजी निकल के आती है। अब हम पत्रक भी तैयार करते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा है एक तारीख का, दूसरा जो पत्रक है 31/3/2016 का बनाना है। तो ध्यान रखना है जो वैसे बनाया है वैसी उसी प्रकार से बनाना है, खाली यहाँ पर कीमतें अलग अलग दी हैं, हम उसी प्रकार से बनाते जाते हैं। और कीमत यहाँ पर 84,058,000, 10,800, 4,000, 30,400, 36,400, 36,000, 22,500, 20,700, 10,700 ऐसे दिया है। चलो तैयार करते हैं। तो ये हमारा पत्रक भी है, तारीख 31/3/2016 के दिन का स्थिति दर्शक निवेदन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। तो पहले मकान है, मकान हमारा कितना है 84,000 का है, ऊपर भी 84,000 का था। यंत्र हमारा यहाँ पर
कितना हो जाता है 58,800 का हो जाता है। उसके बाद फर्नीचर लिखते हैं, तो फर्नीचर हमारा कितना आ जाता है, फर्नीचर तो फर्नीचर हमारा 10,800 आता है। उसके बाद विनियोग लिखते हैं, तो विनियोग भी संपत्ति है हमारी, तो विनियोग भी हम लोग संपत्ति साइड लिखेंगे 4,000। और देखते हैं स्टॉक भी हमारी संपत्ति है, तो स्टॉक भी हम लोग लिखेंगे, कितना लिखा है 30,400 लिखा है। फिर देनदार भी हमारी संपत्ति है, तो देनदार भी लिखेंगे, देनदार हमारे पास 36,000 है, 36,000 लिखते हैं। रोकड़ और बैंक शेष लिखते हैं, तो रोकड़ और बैंक शेष सेम टू सेम ऊपर की तरह किया है, पहले जो हमने किया था पत्रक एक उसी के अनुसार मैं लिखता जा रहा हूँ, कीमत ध्यान से लिख रहा हूँ। 20,500 है बैंक और रोकड़ शेष। लेनी हुंडी लिखते हैं, तो लेनी हुंडी मेरे पास कितनी है 10,700 है, 10,700 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेनदार इधर कितने आए हैं, तो लेनदार हमारा दायित्व है, तो लेनदार दायित्व है कितना लिखेंगे 33,000। देनी हुंडी लिखते हैं, तो देनी हुंडी कितनी है 20,700। फिर उसके बाद हम यहाँ पर अंतिम पूंजी ज्ञात करते हैं, अंतिम पूंजी, तो अंतिम पूंजी कितनी है देखते हैं यहाँ पर कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ का टोटल मैं करता हूँ, मैं करके फिर बताता हूँ। तो यहाँ का टोटल आया है हमारा 257,200, यहाँ लिखते हैं 257,200। और इनका टोटल आता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगा 53,700 आ जाता है, 53,700 इनको दोनों का टोटल 53,700 आया है। उसके बाद इसमें से इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है कितना आता है, कैलकुलेशन करके बताता हूँ, तो 203,500 इसका आ जाता है, 203,500। तो यहाँ भी मैं टोटल कर देता हूँ, यहाँ कितना आ जाता है 257,200। पत्रक ए में भी इधर साइड टोटल मैं मार देता हूँ 221,200। अब हम आगे देखते हैं, तो ये वाला हमारा लाभानी खाता है, लाभानी दर्शाता पत्रक है। अंतिम पूंजी यहाँ पर लिखते हैं, और फिर जोड़ो जो भी है रोकड़ बाल आहरण धंधे में चुकाए निजी खर्च जीवन बीमा प्रीमियम आयकर वगैरह वगैरह इधर लिखते हैं। फिर घटाते हैं प्रारंभिक पूंजी और वर्ष दरमियान लगाई पूंजी और समायोजन से पहले का लाभ यहाँ पर आ जाता है। समायोजन घटाओ यानी कि संपत्ति की किसाई पूंजी पर ब्याज, लोन पर ब्याज, दुबत ऋण अनामत और बट्टा अनामत, और जोड़ो आहरण का ब्याज। तो श्रीमती मालती बहन का तारीख 31/3/2016 के दिन पूरे होते वर्ष का लाभ हानि दर्शाता पत्रक विवरण रकम यहाँ पर हम लिखते हैं। सबसे पहले अंतिम पूंजी, तो हमारी अंतिम पूंजी देखोगे तो हमारी अंतिम पूंजी कहाँ पर है, तो अंतिम पूंजी हम यहाँ लिखते हैं पत्रक बी में। आप देखो तो पत्रक बी में के अनुसार, तो पत्रक बी के अनुसार कितना लिखा है, तो हमारे पास पत्रक बी के अनुसार 203,500 लिखा है, 203,500 लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं, उसके बाद यहाँ लिखेंगे जोड़ो, क्या लिखेंगे जोड़ो, बरोबर। तो जोड़ो में हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या है, तो रोकड़ आहरण है, रोकड़ आहरण है कितना है 13,200 यहाँ लिखते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं माल का आहरण, का आहरण। अब ये देखोगे ये कहाँ लिखा था, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। तो वर्ष दौरान उनका आहरण है 13,200 और माल का आहरण 4,200 था, जबकि धंधे में अतिरिक्त पूंजी 12,000 है। अतिरिक्त पूंजी जब हमको उपयोग हो गई तब हम उसमें लिखेंगे अतिरिक्त पूंजी। तो यहाँ लिखते हैं माल का आहरण लिखा है हमने, ये लिख दिया है पहले से ही। अब आपने देखते हैं आगे लिखते क्या है, इनका टोटल मार देते हैं, तो ये होगा 17,400 हुआ। जोड़ने के लिए बोला है जोड़ो, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद हमारे पास ये हो जाता है 17,20 हो जाता है, 20,000 यानी कि 220,900 हो जाता है। उसके बाद हमको यहाँ लिखना है घटाओ, घटाओ बरोबर। तो क्या क्या घटाना है, यहाँ लिखते हैं प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी में आप पत्रक में देखें, ए में देखें, पत्रक ए के अनुसार
वीडियो को रिजर्व पीछे जाके देख सकते हैं। आगे देखेंगे अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी, अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त पूंजी। तो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने कि 12,000 धंधे में लेके आए थे, तो हम लोग पहले लिखते हैं कितना था ए के अनुसार। 1,87,000 हमारा आया था, 1,87,500 आया था। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 12,000 हम यहाँ पर करते हैं, तो 12,000 किया है हमने टोटल मारा है, तो ये हमारा 500 आ जाएगा। ये ले 1,00,000, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, 1,99,500 यहाँ पर आया है। सर यहाँ पर गणना में गलत हुई है, यहाँ 1,87,500 है। हम पत्रक बी में भी सुधार, पत्रक बी में भी हमारा कितना है 1,87,500 आया है, तो इसका टोटल आया है 1,99,000 आया है। तो ये बोलता है घटाओ, तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो हमारे पास घटाने के बाद कितना आता है, तो कैलकुलेशन करता हूँ, कर दिया, कितना आया है यहाँ पर 10,950। इसको आप समायोजन से पहले का लाभ, समायोजन से के पहले का लाभ, बरोबर, या फिर आप सकल लाभ भी लिख सकते हो, सकल लाभ। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं समायोजन, घटाना है समायोजन, घटाओ, यहाँ लिखते हैं घटाओ, यहाँ पर आएगा समायोजन, कोई समायोजन नहीं दिया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डैश कर देंगे, और यहाँ पर भी डैश हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21,900 आता है, 21,900 यहाँ भी आ जाता है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वंदे मातरम।